पीपुल्स फोरम जो है वो एक स्पार्क था गोरखपुर में कि हम कुछ अल्टरनेट कर सकते हैं, वो सक्सेसफुल हुआ। तो 2005 में राहुल रॉय आए, जिन्होंने नॉट इन माय नेम एक कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन किया था मोहम्मद जुनैद जो बच्चे की हत्या हुई थी उसके बाद। राहुल रॉय की एक फिल्म है मैस्कुलिनिटी पर, जहाँ चार यार मिले, व्हेन फोर फ्रेंड्स मेट, उसको दिखाना था। और जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस का स्पेस श्रिंक होता जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो लास्ट मिनट पे यूनिवर्सिटी के शायद सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, अमुदन सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट गोरखपुर में, हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई स्क्रीनिंग करनी है, तो उन लोगों ने एक स्क्रीनिंग करने की कोशिश करी। तो वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट थे जो कि पीपल्स फोरम से जुड़े हुए थे। तो जैसा आप जानते हैं छोटे शहर में कुछ 5-6 लोग होते हैं, वही सब जगहों पर होते हैं, तो स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, ये कुछ मार्च अप्रैल महीने की बात है। लेकिन तब उन लोगों को लगा कि यार एक फिल्म सोसाइटी होनी चाहिए, अगर हमारे पास फिल्म सोसाइटी होती। फिर इन लोगों ने क्या किया, एक गौहर रजा है, उनकी फिल्म है खूबसूरत जहाज, एंटी न्यूक्लियर थीम पर फिल्म है, तो वो दिखाने के लिए सोचा चलो अगस्त में हिरोशिमा डे पर 4 अगस्त पे एक स्क्रीनिंग करते हैं। फिर वो गोरखपुर जो जर्नलिस्ट यूनियन का जो ऑफिस है उसमें, वहाँ उन्होंने कोशिश करी और उसका एक नाम दिया फिल्म सोसाइटी का, एक्सप्रेशन, वो बनी एक सोसाइटी। और फिर उसी 2005 के सितंबर में इलाहाबाद में, जो यूपी बिहार उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में काम करने वाला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जन संस्कृति मंच, उन्होंने अपने एक्सपेंशन के लिए एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया कि मैं कुछ अपनी फिल्म की इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग कर चुका था। तो वहाँ पर तो मैंने ये प्रपोजल दिया कि एक हम लोगों को इंडिपेंडेंट फेस्टिवल करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके पहले एनजीओ के लिए बहुत फिल्में बना रहा था। और एक एनजीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, विदिशा पे हमें फिल्म बनानी थी जहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, तो उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से शुरू करना था, उन्होंने कहा आई डोंट वांट दिस। तो फिर मुझे लगा कि ये चलो अपनी तरह की फिल्में बनाते हैं। मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि अपनी तरह की फिल्म बनाने का अपने ऑडियंस बनानी पड़ेगी, तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा ये था कि अपनी ऑडियंस बनानी है, फिल्म बनाएंगे। तो इलाहाबाद में हम लोगों ने मीटिंग में ये तय किया कि एक अलग तरह का फिल्म फेस्टिवल शुरू करते हैं। क्योंकि जन संस्कृति मंच की पॉलिसी थी पीपुल्स फंडिंग, तो ये कहा गया कि ये सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध का सिनेमा उसका नाम आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है कि ये प्रतिशोध नहीं है, इट इज रेजिस्टेंस नॉट रिवेंज। हाँ, रिवेंज नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत सारे जर्नलिस्ट और लोग कहते थे आपका प्रतिशोध का सिनेमा बहुत अच्छा है। हमने कहा नहीं भाई, प्रतिशोध हमें नहीं है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध किस चीज से था, प्रतिरोध था इससे, अपने करेंसी से, मतलब फंडिंग से। तो ये प्रतिरोध था कि हम जो फेस्टिवल करेंगे मरुपकम की तरह से ही, कि हम पैसा जो है लोगों से लेंगे। और प्रतिरोध के सिनेमा में क्या हुआ कि असल में ये बहुत इंटरेस्टिंग था मरुपकम की स्टोरी को जानना, और बहुत सारी हम लोगों के बीच में कॉमन बातें हैं। जैसे कि ये हुआ कि हम फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कुछ मुद्दे हैं और यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, हम इन मुद्दों को जोड़ रहे हैं पर्दे के उससे। अब ये भी हमें समझ में आ गया था कि सिनेमा दिखाना कोई महंगा काम नहीं है, फिल्म बनाना तो महंगा काम है। फिल्म बनाने में फिर भी कई बार 50,000, कई बार 60,000, 2-2.5 लाख लग जाते हैं, सिनेमा दिखाना महंगा काम नहीं है। और ये था कि अगर हम पैसा उन्हीं लोगों से लेंगे जिनके खिलाफ हम फिल्म दिखा रहे हैं, तो धीरे 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 फिर हम उनकी ही पसंद की फिल्म दिखाने लगेंगे। तो हम लोगों ने ये किया कि हम अब लोगों के पैसे से लोगों का सिनेमा दिखाएंगे। तो जो हम क्यूरेशन की बात करते हैं, तो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के क्यूरेशन में कोई एक बॉडी ऊपर के नहीं होती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें दो बॉडी होती हैं, एक है लोकल टीम
और एक है सेंट्रल टीम। तो लोकल टीम में तो जो लोकल लोग हैं, लोकल मुद्दे हैं और वहां की जरूरतें हैं, और सेंट्रल टीम जो पहले बहुत छोटी होती थी अब बड़ी हो गई है। सेंट्रल टीम में फिर एक बड़ी टीम होती थी जो फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो बहुत एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं। तो हमेशा ये दोनों का एक टू वे कम्युनिकेशन रहा, और इसी टू वे कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप हम लोगों का क्यूरेशन देखेंगे उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिल्में गायब हैं। उसका कारण ये नहीं है कि हमें गोदार से या त्रुफो से या बुनवेल से या ताती से या ऋत्विक घटक से हमें कोई परहेज है। उसका कारण ये है कि हमारी ऑडियंस के लिए अभी ये जरूरी नहीं है, अभी उसके लिए दूसरी चीजें जरूरी हैं। तो फिर हमने क्या किया, अब दूसरी बात थी कि कहाँ दिखाएंगे, पैसा हमारे पास ज़्यादा है नहीं, सस्ती जगह चाहिए। तो हम लोगों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ही एक ऑडिटोरियम था जिसमें वर्षों से कुछ नहीं हुआ था, वहाँ वो हमें मिला, वहाँ हमने दिखाया। तो इस तरह का एक ऑडिटोरियम था, यहाँ एक ऐसे पूरा बड़ा कैंपस था और ये पूरी पूरी खाली जगह थी। तो अब क्या किया गया, उसको मार्च के महीने में पहला फेस्टिवल किया तो उसमें काले पर्दे लगाए, बाथरूम बहुत गंदे थे उनको थोड़ा साफ किया गया, रजनीगंधा के फूल रखे गए। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था, एक आर्टिस्टों की टीम थी कला कम्यून, वो लोग आए, उनसे कहा इसको कुछ सजाओ, क्योंकि आप कुछ फेस्टिवल कर रहे हैं तो कुछ सुंदर दिखना चाहिए ना, कुछ विशेष दिखना चाहिए। मतलब एक तो कोई शमशान जैसी जगह, आजकल तो शमशान भी बड़े सुंदर होते हैं, तो मतलब अपर कास्ट वालों के। तो एक कला कम्यून टीम आई, उन्होंने क्या किया कि टायर लिए कबाड़ी से, उसमें रंगीन पत्तियां बांधी और ऐसे फेंक के टायर डाल दिए, तो उसमें टायर टंग गए। फिर यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया, और अब यहाँ पर क्या है, गर्मी का महीना है और ये स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट है आ रही है, सबको ढका गया। ढकने में क्या हुआ कि हवा बंद हो गई, उमस हो गई। तो आपको क्या करना है कि बीच बीच में ब्रेक देना है, नहीं तो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी में प्रोजेक्टर रुक जाता है। तो अच्छा, तब हमारे पास लैपटॉप भी नहीं था, डीवीडी थी। तो ये क्या किया गया कि रशोमन पिक्चर दिखा रहे हैं तो उसकी दो डीवीडी बना ली, तो जैसे एक रुकी दूसरी लगाई, तो दूसरी चल गई, दूसरी रुक गई तो पहली वाली लगा दी, ऐसे जुगाड़ से चलाया गया। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बाहर हॉल के बाहर एक वॉल बनाई गई सफेद चार्ट पेपर की, और सारे सेशन में जैसे आमतौर पे मुझे मालूम नहीं कि महाराष्ट्र का क्या हाल है, उत्तर भारत में जो साहित्यिक आयोजन होते हैं उसमें उद्घाटन सत्र बहुत लंबा होता है, इतना बोर कर देते हैं बोलने वाले कि आधी ऑडियंस वैसे ही छट जाती है। हाँ, और फिर सरस्वती वंदना होती है और दिया जलता है। हाँ, मतलब मेन प्रोग्राम अगर 40 मिनट का होगा तो 120 मिनट का उद्घाटन सत्र होगा। हम लोगों ने कहा कुछ नहीं, कोई दिया नहीं जलेगा, और हमने कहा कि 20 मिनट का उद्घाटन सत्र होगा, और अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसको पर्ची दे दी कि आप नीचे उतर आइए। हाँ, कितने भी बड़े आप चीफ गेस्ट हो। दूसरा, हर स्क्रीनिंग के बीच में डिस्कशन रखा। मुझे याद है कि आनंद पटवर्धन की फिल्म थी वॉर एंड पीस, युद्ध और अमन और शांति, तो उसमें एक पैनल बनाया गया, उसमें एक गोरखपुर के कवि थे बहुत बड़े, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर उसको वो कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि और लोगों को एनकरेज किया गया बोलने के लिए। आप ये जानिए कि यूपी के कैंपसेस में टीचर जो आते हैं, एक तो उनके पुराने नोट्स होते हैं तो उनके पास कोई इंटरेक्शन का स्पेस भी नहीं होता है। हाँ, मतलब कोई स्कोप नहीं होता है, तो वही अपने 25 साल पुराने नोट्स पढ़ाते हैं, और आमतौर पर जो क्लासेस होती हैं उसमें टीचर बोलता जाता है और उसके बाद चला जाता है। तो एनकरेज किया गया कि आप बोलिए। तो लड़कों ने खूब बातचीत करी और एक ने कहा कि ये जो नेशन का जो आपकी कंसेप्ट है उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, तो किसी ने उसको रोका नहीं। दूसरी बात, एक फिल्म हम लोगों ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर दिखाई, तो उसमें क्या है कि मणिपुर की 9 औरतें
अपने एक एक्सट्रीम प्रोटेस्ट में अपने सारे कपड़े उतार देती हैं, एक जिसके बारे में मोहम्मद आप जिक्र कर रहे थे, जैसे एक शायद इसी के बारे में कल कर रहे थे ना, कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हाँ ट्रिगरिंग जो होते हैं। अब वो दिखाया, उसके बाद यहाँ पर ऊपर मंच पे बैठे हुए हैं लोग, फिल्म मेकर दो आए थे, शमिक नंदी और एक और जर्नलिस्ट लोग आए थे फिल्म मेकर, और इधर ऑडियंस में एक न्यूडिटी पे चर्चा छिड़ गई। उसी में एक पार्टिसिपेंट लड़की आई थी जो कि वर्धा यूनिवर्सिटी से विमेन स्टडीज में एमए पढ़ रही थी, एकदम उसका गरम गरम खून था। अब क्या हुआ कि वो दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं डायस पे और यहाँ घमासान चल रहा है, हम लोग खुश हैं, ये बढ़िया है भाई, ये यही चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि जैसे बाहर लोग निकले तो एनकरेज किया गया लोगों को कि आप लिखिए। दूसरा ये कि एक स्क्रीनिंग है, डिस्कशन वैसे भी जरूरी था, इसलिए भी जरूरी था कि जो प्रोजेक्टर है वो ठंडा हो जाए, अगर एक के बाद एक चलाएंगे तो बैठ जाएगा, और फिर मान लीजिए आपने गैप दिया तो बाहर किताबों की दुकान लगाई गई। तो उसका फायदा ये हुआ, मैंने देखा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ फिल्में उसमें अंग्रेजी की भी थी, जैसे मोटरसाइकिल डायरी भी थी जिसमें सबटाइटल नहीं है हिंदी के, लेकिन लोग स्टूडेंट ने धीरे धीरे देखने की कोशिश करी और उनको मजा आया कि यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। और ये जो वॉल थी, वॉल में मुझे एक कमेंट बड़ा याद आता है, कैसे एक एक जो ओपन कल्चरल स्पेस होता है वो कैसे कितनी सारी चीजों को खोलता है। एक लड़के ने लिखा, सुनीता आई लव यू, उसका मंथन जो फिल्म थी श्याम बेनेगल की फिल्म, हाँ उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ये मतलब मैं इसको, अब वो दुर्भाग्य से वो हमारे पास चार्ट पेपर नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमारी टीम में डिस्कशन हुआ। एक लड़के ने कहा, भैया ये क्या लिख दिया है? मैंने कहा, तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हें सुनीता नहीं चाहिए, हाँ, और दूसरी बात अगर उसको सुनीता चाहिए, हाँ, और नहीं है सुनीता, सुनीता चाहता है तो उसमें क्या बुरी बात है, और तुम्हारा फेस्टिवल अगर उसको ये हिम्मत दे रहा है कि सुनीता आई लव यू लिख रहा है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। जैसा प्रदीप ने कहा या राघव ने कहा कि सिनेमा से क्रांति नहीं हो सकती है, लेकिन सिनेमा से अगर इतना भी मूड बदल जाए कि बजाय अब हत्या करने के आप प्यार करने लगे, तो ये हमारी एक उपलब्धि थी। और मुझे आज भी मैं उसको रियलाइज करता हूँ कि क्यों सफल हुआ, इसलिए सफल हुआ कि उसमें कोई हायरार्की नहीं थी। फिल्म मेकर आया है और ठीक है, फिल्म मेकर है तो कोई उसका लंबा चौड़ा परिचय नहीं, कितने अवार्ड जीते ये फिल्म मेकर आए थे, लेकिन ये था कि फिल्म मेकर के साथ आप सवाल कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, और शायद पहली बार उस यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में कर रहे थे तो हमें ऑडियंस नेचुरल मिल गई। और फिर बाहर क्या था, जो बाहर का वेन्यू था तो यहाँ पे बुक स्टॉल था और इधर बीच में दो पेड़ों के बीच में तार लगाकर कविता पोस्टर थे और एक खाने वाला था, बहुत खराब राजमा चावल दे रहा था वो, लेकिन मजेदार बात क्या थी, थोड़ी देर बाद हमने देखा उसने मोटरसाइकिल डायरीज देखी, जब उसका खाना वाना खत्म हो गया तो अपने भात के भगोने को वैसे ही बजा रहा है, एकदम मोटरसाइकिल डायरी का जो उसने देखा है अंदर वैसे वहां बजा रहा है। तो धीरे धीरे सारे लोगों में बीच में लाइट चली गई। अब गोरखपुर में मच्छर बहुत होते हैं, आपको मालूम है मच्छरों की वजह से वहां पर एक बीमारी होती है जापानी बुखार, जैसे बहुत बच्चे मरते हैं, तो लोग बैठे हुए हैं हॉल के अंदर। तो ये हुआ कि एक टीम आई थी पटना की, हिरावल, तो हमने कहा भाई गाइए, उन्होंने एक गाना गाया, बोले संजय जी गाना हो गया, अब क्या करें, अभी दो और गाना, अभी जनरेटर रास्ते में ही है, अब इधर लोग जो हैं गाना गा रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या होती है, जैसे कि थोड़ा जंप करूंगा, उदयपुर में भी हमारा जनरेटर खराब हो गया। अब आपका जनरेटर खराब हो गया, आप कोई मतलब भगवान तो नहीं है कि आपकी सब चीज़ें ठीक चलेंगी, आप एक मतलब बहुत ही उबड़ खाबड़ देश में रह रहे हैं तो उबड़ खाबड़ सर्विस मिलेगी, जनरेटर खराब हो गया तो आपको लोगों को बता देना है। तो हमने क्या किया वहां पर, हमने कहा देखिए जनरेटर खराब हो गया है, और लकीली बारिश हो रही थी, हमने कहा बारिश हो रही है तो मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूँ, आप लोग उदयपुर फिल्म सोसाइटी की ईयरली मेंबरशिप ले लीजिए, 200 रुपये मेंबरशिप है, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, हमारे पास थोड़ा फंड भी आ जाएगा, और उधर बीच में पूछ रहे भाई कितनी देर में आएगा, तो
तो मतलब इसको कितनी देर चलाना है इस मेंबरशिप अभियान को? तो बोला नहीं अभी आ जाएगा 15 मिनट में। ठीक है, मेंबरशिप ली गई, 3800 रुपए आ गए वो मेंबरशिप अभियान से। और लोगों का अच्छा आप बताइए, अच्छा अब ये है कि अब हम उसमें कोई खेल नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया था, जो हमें रिव्यू करना था, हम लोग अपने फेस्टिवल में एक रिव्यू सेशन भी रखते थे ऑडियंस के साथ, फेस्टिवल के बारे में ही। हमने कहा चलो आज पहले ही कर लेते हैं, तो टीचर ने बताया है कि स्कूल्स में जोड़िए, ये करिए, तो अगर आप उसको पार्टिसिपेटरी बनाएंगे तो आपकी जो मुश्किलें हैं, जो आपकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो हो जाएगा, जो मुश्किल हैं वो आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगी। गोरखपुर में किया तो जैसा होता है कि जो अच्छा मॉडरेटर होता है वो बहुत बढ़िया बढ़िया हाँकता है ना, एकदम कन्विंसिंग तरीके से। संजय जी नहीं अच्छे मॉडरेटर तो हमारे आशुतोष कुमार हैं, उन्होंने कहा कि बहुत डिमांड आ रही है लोगों की कि इस फेस्टिवल को रिपीट किया जाए, कोई डिमांड नहीं आई तो आप लोग क्या कहते हैं? हाँ रिपीट किया जाए तो फिर रिपीट किया, अगले साल फिर हुआ। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये तो मान लीजिए आपका जैसे ये हॉल हो गया, हाँ अब इतना बड़ा कैंपस है, अगर आप दर्शकों को रोकेंगे बाहर चले जाएंगे, तो बुक स्टॉल को हमने हर साल कंटिन्यू किया। और बुक स्टॉल में हमारे पास एक बहुत अच्छे डेडिकेटेड कम्युनिस्ट बुक एक्टिविस्ट थे, गंगा जी, वो ये कहते थे डोंट आस्क मी कि कितनी सेल हुई है, आप ये पूछिए कि कितने लोगों ने किताब पढ़ी, वो एनकरेज करते थे। तो मकसद क्या है कि एक बार जो आया है दर्शक आपके पास वो भाग के नहीं जाए, उसको आप रोक के रखिए। अच्छा रोक के रखेंगे तो फायदा क्या होगा, बीच बीच में आप डिब्बे से चंदा मांग रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो अगर एक्साइटेड होगा तो 3 बार चंदा दे देगा। कहते भी थे भाई आपने एक बार चंदा दिया है कोई बात नहीं, दोबारा भी दे सकते हैं, मतलब चंदा अगर आपको मिलेगा तो एक तो लोगों को समझ में आएगा कि ये कहीं फंडिंग बाहर से नहीं हो रही है, ये आप ही का फेस्टिवल है। तो उसका फायदा क्या होता है कि जब हम लोगों ने अरुंधति रॉय को बुलाया तो अच्छा उसमें आप नौसिखिए होते हैं तो बहुत तरह की गलती भी करते हैं, जैसे संजय काक की जो फिल्म है पानी पर लिखा, इसके पहले कि संजय काक बताते नहीं बता दे रहा हूं, मौका ढूंढ रहा तो पानी पर लिखा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 2 पहले चला दी, और संजय काक के कोई दोस्त थे, उन्होंने अपने बेटे को भेजा था, उसने बताया तो उनके दोस्त ने बताया कि नहीं फेस्टिवल तो बहुत अच्छा था लेकिन पार्ट 2 तुम्हारा पहले चला दिया था। तो ये सब भी चीजें होती हैं, लेकिन इसको आप एडमिट कर लीजिए। और ये पहले साल में नहीं हुआ, हम लोगों ने जब 7 साल बाद 8 साल बाद कलकत्ता में पहला फिल्म फेस्टिवल किया, आनंद पटवर्धन फिल्म जो है गलत चल गई, बहुत नाराज हो गए, तो उनको समझाया गया कि भाई गलती हो सकती है, माफी मांग ली, कोई बात नहीं ठीक कर देते हैं, तो आप हमेशा तैयार रहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोगों ने किया कि अगर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर पुराने ब्रोशर को देखेंगे कि अगर फिल्म 3:10 पे इंट्रोडक्शन है तो 3:10 पे इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, एक भी आदमी होगा तो आपने आप अपना एसोसिएशन बनाते हैं, आप शहर के बुद्धिजीवियों को कलाकारों को इन्वॉल्व करते हैं, अगर वो नहीं आ पाए तो आप खुद कर दीजिए इंट्रोडक्शन। उससे क्या होगा कि जो दर्शक होगा वो आपके बारे में सीरियस होगा। एक बार हम लोगों ने शेड्यूल चेंज कर दिया, एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आई, उन्होंने बहुत गाली दी, बोले कैसे कर दिया आपने, मुझे यही तो फिल्म देखनी थी, पूरे फेस्टिवल में यही फिल्म देखनी थी। तो ये आप कभी मत करिए, थोड़ा अपने डिसिप्लिन थोड़ा बनाइए। और दूसरी बात यह है कि हमेशा अल्टरनेट रखिए, मतलब एक हार्ड डिस्क की एक हार्ड डिस्क, और लैपटॉप में भी अगर हो सके तो एक प्रोजेक्टर, एक बैकअप, अगर बिजली चली जाएगी तो आप पता कर लीजिए बिजली डिपार्टमेंट से, जनरेटर हो तो पेट्रोल भी हो डीजल भी हो, पता चला जनरेटर था और जनरेटर वाले ने डीजल नहीं भराया। सिर्फ कम्युनिकेशन की पैसा आपको देना है, अब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब उस समय का भी आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो खाली आप फिल्म लगा देंगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको 3-4 लोग ऐसे रखने पड़ेंगे जो आपके अपने आदमी होंगे, जो भी सवाल करेंगे है ना, टेढ़े सवाल करेंगे, उससे कम्युनिकेशन शुरू होगा।
मतलब आपको तैयार करना पड़ेगा और हमेशा नए लोगों को ट्रेंड करिए, ये मत सोचिए कि सारा दुनिया आपके कंधे पे चलेगी। हमें तो हम लोगों ने ये सब भी किया कि बाथरूम में रिहर्सल कराया, चलो ये तुमको इंट्रोड्यूस करना है, बोला नहीं भैया आप नहीं करेंगे, नहीं तुम्हें को इंट्रोड्यूस करना है। उससे क्या होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उसका भी क्या कहते हैं उसमें ओनरशिप बढ़ेगी। तो ये सब करके और बहुत तरह की कोशिशें करी, जैसे कि अमुदन की फिल्म भिलाई में दिखाई गई, वो शिट जो फिल्म है 27 मिनट की, वो मदुरई में एक गली को साफ करने वाली एक महिला के बारे में है, वो फिल्म तमिल में बोल रही हैं और वो सबटाइटल अंग्रेजी में है। तो भिलाई में सफाई महिला कर्मचारी आने वाली थी उस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप का वहाँ के लोकल, क्योंकि जब आप इस तरह के सामाजिक मुद्दों से जुड़े फेस्टिवल करते हैं तो जो आपका सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है लोगों से। तो अब उस फिल्म को दिखा रहे हैं तो कैसे दिखाएं, खाली अगर हम स्क्रीन करेंगे तो वो महिलाएं जो देखना चाहती हैं, जो उसकी सबसे पहली दर्शक हैं, वो छूट जाएंगी। तो फिर एक टेबल लैंप का इंतजाम किया गया, उसका ट्रांसलेशन कराया गया, वो जो तमिल वाला जो आवाज़ थी उसको थोड़ा कम किया गया ताकि उसकी बॉडी भी मिले, एकदम बंद कर देंगे तो बॉडी गायब हो जाएगी फिल्म की। या मज़ेदार चीज़ें भी होती हैं, जैसे एक फिल्म थी ब्लैक बोर्ड, एक फिल्म है समीरा मकलम बाप की, तो वो फिल्म दिखाई गई, हम लोगों ने बच्चों के सेशन दिखाई, हम लोगों ने कई बार बच्चों के सेशन में, मतलब जो ईरानी फिल्में हैं वो बच्चों की फिल्में नहीं हैं, बच्चे उसमें मेटाफर हैं, हम लोगों ने दिखा दिया कि हमारी उतनी समझ थी। तो क्या हुआ कि एक ने कहा, एक एनएसडी से पढ़े हुए ग्रेजुएट थे, उन्होंने कहा कि श्रीश डोभाल मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूं क्या, क्योंकि हम लोगों का एक गोरखपुर के रेलवे स्टेशन में जो लोग काम करते हैं बच्चों के बीच में उनसे जुड़ाव था, तो हर साल 20-25 बच्चे आते थे। तो बोला कि हाँ जी कर दीजिए आप। अब उन्होंने करना शुरू किया, जब उसके बाद डिस्कशन शुरू हुआ तो एक आदमी ने कहा कि किस आदमी ने इनको जिम्मेदारी दी थी अनुवाद करने की इतना बकवास अनुवाद क्यों किया इन्होंने कैसे किया। लेकिन ठीक है, मतलब इस तरह के भी कई बार जब आप हड़बड़ी में निर्णय लेते आते हैं तो, लेकिन यह है कि वो चलता है। और ऐसे ही एक सज्जन आए थे, कोई हम लोग ने एक सावी सावरकर करके पेंटर हैं, उनका लेग डैम रखा, एक कोई हमारे भाई साहब के कोई दोस्त थे बंगाली ब्राह्मण, उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो ब्राह्मण पे कलंक हैं, ये क्या आप अंदर करवा रहे हैं तो ये सब भी थोड़ा लोग जो हैं झटका खाएं, ये सब करें। और दूसरी बात, हमेशा इस तरह के, अब तो जमाना चला गया है प्रिंट का, लेकिन मैं तो कहूँगा अभी भी अगर आयोजन करिए करिए, इस तरह के ब्रोशर्स निकालें, लिटरेचर निकालिए, क्योंकि क्या होता है कि लोग वो उन्होंने फिल्म देखी है उस फिल्मकार के बारे में और जानना चाहते हैं, फिल्म कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा। और कोशिश करिए, छोटे शहरों में सिनेमा के नाम पर अखबारों में जगह मिल जाती है, लंबे रिपोर्ट लिखिए, वो रिपोर्ट आप बुल्डाना में कर रहे हैं तो कहीं और किसी और कस्बे में जाएगा अखबार, वहाँ कोई पढ़ेगा, वो आपके पास संपर्क करेगा। इसी तरीके से फेस्टिवल धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने हमेशा पीपुल्स फंडिंग पे भरोसा किया, और वो एक हमने सबसे बड़ा बेंचमार्क अपने लिए बनाया। और हमने ये भी समझा कि ये सिनेमा एक्टिविज्म हम कर रहे हैं ये हमारा सनकीपन है, ये हमारा दीवानगी है, इससे हमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, अभी वो माहौल नहीं आया है कि सिनेमा एक्टिविज्म करके आपको सैलरी मिले। तो आपको ये भी जानना होगा कि भाई इससे आप पैसा नहीं कमाना है आपको, क्योंकि जब पैसा आएगा कहीं से तो विचार भी आएंगे। हाँ, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैंने ये देखा है कि धीरे धीरे एजेंसी कहती नहीं है आपसे, लेकिन आप उसी तरह से सोचने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार अगर हम इस तरह से प्रपोजल नहीं लिखेंगे तो शायद हमें मिलेगा नहीं। और जिस दिन आप अपनी सेल्फ सेंसरिंग करने लगते हैं उस दिन मामला गड़बड़ जाता है। और उसके बाद कई तरह के प्रयोग हुए, हमारे साथ में सौरभ है और फातिमा है, मैं इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये लोग इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। थैंक यू।